बिजू जंगल जाता था। हाँ मान दो चल से चरी कर कर वापस घर लौटाता था। सही बात कह रही हो बहन, लेकिन आज स्वामीनाथ लगता है चरी करने के लिए कहाँ चल गया। बहन लग रहा है बहन, हो सकता है पूरा पूरी ओर चरी नहीं मिले होंगे तो मेरे पति भी पश्चिम की ओर जा सकते हैं। हाँ बहन पश्चिम की ओर चलो और मैं अपने स्वामी को मैं पता लगा लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है चलो बहन। अब पश्चिम के आवर ना बहिया गई आसमी जी के खोजबे गई कर बई पश्चिम के गई और स्वामी जी के हो लेकिन पति नाथ नहीं है पश्चिम की ओर। हाँ लगता है आज स्वामी नाथ कहाँ चल गया। कैसी बात करते हो बहन, लग रही है मेरे पति भी दक्षिण की ओर चले गए होंगे शिकार करने के लिए। क्या दक्षिण की ओर चरी करने के लिए? हाँ बहन। हाँ बहन मैंने पूरब की ओर मैंने खोजी स्वामी नाथ नहीं है, पश्चिम की दिशा गई स्वामी नहीं है, चलो दक्षिण की ओर मैं अपने स्वामी नाथ को मैं अवश्य ढूंढूंगा। दक्षिण के ओर आ बहिया गए, दक्षिण के ओर आ बहिया गए, स्वामी मुझे आंखें भरक रही है और दिल घबरा रही है बहन। हाँ बहन लग रही है कोई अशुभ बात तो नहीं हो गई। बहन मुझे भी दिल घबरा रहे बहन, मुझे भी आंख से आंसू टपकने वाली है बहन। बहन मैंने तीनों दिशा मैंने स्वामी नाथ का मैंने ढूंढी लेकिन स्वामी नाथ नहीं है। आज ना जाने परंतु कि स्वामी नाथ कितना दूर चला गया चली करने के लिए। स्वामी बहन आज हमारे पति देव ऐसे होंगे। ये आगे शिवू चौधरी जी साके रहने वाले इस रोल पर कुछ घर करिए 10 रुपए का नोट आधा फरमाता है कंपनियों ने धन्यवाद देते हैं। बहन हाँ बहन अब तो लगता है कि बिजु जंगल से लौट लौट वापस जाना पड़ेगा सभी बहनों को। नहीं नहीं बहन एक दिशा बची हुई है। बहन हाँ बहन तुम जानती हो ना
काला मिर्गा पे मैंने सात समझी बहन। हाँ बहन, और मैं जब मैं अपनी पति को नहीं देखती हूँ ना तो मुझे न्याय त्रस्ती दीती है बहन। हाँ बहन, चलो बहन, एक उत्तराखंड बच्ची हुई है। हाँ चलो, न जाने चरित्र के कारण सौम्य उत्तराखंड चली गई उत्तर की दिशा। हाँ बहन, चलो उत्तर की तुमने ठीक कही, पूरब की ओर चरित्र ही मिला होगा, पश्चिम की ओर चरित्र ही मिला होगा, दक्षिण की ओर चरित्र ही मिला होगा। इसलिए पतिनाथ सोचकर उत्तराखंड चला होगा चरित्र करने के लिए। बहन, हाँ बहन, चलो सभी बहन मिलकर और उत्तराखंड चलकर मैं अपने पतिनाथ को मैं ढूंढ लूंगी। ठीक है बहन, चलो बहन। हाँ चलो चलो, मैं जल्दी से अपने पति को ढूंढ लूंगी। उत्तराखंड अखंड बाबा गई बाही ना। स्वामी जी के खोज दे गई करबई, उतरा के गई खंडवा स्वामी जी के स्वामी
आज आप किधर आ गए चर्चा करने के लिए पतिनाथ बहन स्वामी अपने मुख से जवाब नहीं करती है बहन बहन स्वामी मिटू स्वामी देखो देखो सातों समय के लिए तुम्हारे पास है स्वामी उठो स्वामी अपनी आंखें खोलो स्वामी देखो कौन आया है स्वामी आए स्वामी काला मिर्गा पे मैंने सात संदिग्धी थी ना जाने प्रातु मेरा पति को पिजु पंचक जगले कौन हत्या कर दिया बहन अब सात संदिग्धी कैसे रह पाऊंगी बहन जिस पति पर हमने सात सौ मिर्गिनी में सोनो सिंगार पति सोने पर रखी थी जो मेरे पति देव छोड़कर चला हाय स्वादे स्वामी स्वामी मोथा इसी कार हमार से तुम्हें द्वारे में क्या कह रहा स्वामी पतिनाथ इसी कार हमें मार लिया नहीं हमार चिया तू आ रही है शिकार ले ले लो क्या ये हमार शिकार चिया हमें मार लिए हैं इस शिकार का आपने हत्या किए हो बहन इधर आओ तो आज हमें भी के लिए हमें आरो शिकार मान लिया ना तू और कौन है जा 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 हियर से क्या आपने इनको हत्या किया है जर पापी सुनो एक काला मिर्गा पे मैंने सात संदिग्धी थी और मैं ये मेरा पति नाथ है आप मेरे पति को हत्या किया है दुश्मन जिस तरह मैं बिलक बिलक करो रोगी सुनो हम सब बात बात करते हैं हमरा वो सब नहीं दे है देखो एक बार ने ए मिर्गा के हमर मालिक मार रखे बहन अब मैं किसके ऊपर सोलू सिंगार पर दिखावन करूंगी चार पापी दोस्त क्या तुम काली मिर्गा को हत्या नहीं किया है तब कौन किया है क्या मालिक किसका मालिक ठीक है सब बुला करके हो ये देखो सरकारी भाई मालिक हो मालिक आ कैसे के मालिक हो ना बनो सुहानी जी बीच बना जा गलत बसो जगह
बुलाया, क्या बात है? हमने तोरा कहलियो कि हमरा घर में छुटका भ गेले से शिकार सब तू ही ले ले। नहीं नहीं वो शिकार तुम्हारा तुम लोग, लेकिन बात क्या है? आई क्यों रो रहे हो? तुम्हारा है तुम जानो, ई मारा है ना, शिकार को कहा है जो हम मारे हैं। तुम्हारा है तुम जानो, आगे करा परा कर रही हो स्वामी जी, आओ सरसी गरब हो कर और क्यों रो रही हो इस जंगल में? क्या एक मिर्गा मैंने सांस सुन ली, सोलो सिंहा पत्री सो एपर पर अपनी एक पत्ती पर तक देती थी, आज कौन सा समय आ गया जो मेरी सिंगार छोड़ चली गई? बहन इस मिर्गा को मैंने अपनी धनुष से बद्ध किया है, इसको मैंने मारा है, क्या ये मिर्गा तुम्हें सास समित्री का पति है? हाँ ये मेरे पति देव है, सास समित्री में ही काला मिर्गा है। ये तुम सास समित्री का पति है? हाँ नहीं नहीं लेकिन बहन इस मिर्गा को मैंने बद किया है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है बहन, हमें क्षमा कर दो बहन। मेरे पति को आपने हत्या किया है? हाँ बहन मेरे हाथों तो ये तुम्हारा पति मारा गया, लेकिन मैं इतना बात नहीं समझ पाया कि ये तुम्हारा पति है, इसलिए मैं इसे बद कर दिया, हमें क्षमा कर दो। मेरा पति क्या कसूर किया था, क्या अपराध किया था जो मेरा पति को हत्या कर दिया? अब मैं कैसे रहूं कि पति का बिना? मैं किसके ऊपर मैं सोलो सिंगार पति सब्र कर रहा हूं? मैं तुम्हारा पति को गलती से मैंने मार दिया है, हमें क्षमा कर दो। किया आ किया तो आगे।
कसूर नहीं किया, कसूर तो मेरा है कि मैं अपनी हाथों से तुम्हारा पति को बंद कर दिया। हमें क्षमा कर दो बहन। राजा क्षमा कर दो। हाँ वाह वाह, ठीक है राजन, मैं क्षमा कर दूंगी, लेकिन एक बात है राजन, राजन मैंने सात समीगे एक काला मृग पे मैंने राती थी, आज आपने मेरा सिर का सिंदूर हर हर कर लिया राजन, राजन और आप कहते हो क्षमा करने के लिए राजन, राजन मैं क्षमा कर दूंगी, लेकिन मेरा पति को जीवित कर दो। हे बहन, अब तुम्हारा पति जीवित नहीं हो सकता, जिस पान से धन निकल जाता है वो वापस नहीं होता है बहन। क्या? हाँ बहन। राजन, जिस तरह से मेरा पति को आपने हत्या किया है, उसी तरह मैंने सात समीगे की मिलकर मैंने साथ दे राजन, जिस तरह मैं सात समीगे ने बिलख बिलख कर मैंने रोंगी, उसी तरह या भी बिलख और उतना ही नहीं राजन, आपने चोगी की फिर बनकर द्वारे द्वार भिक्षा मैंने सात समीगरी मिलकर मैंने नहीं राजन मेरे पास और तुम्हारे शराब से मैं द्वारे द्वारे भिक्षा मांगूंगा नहीं बहन, बहन तुम साधु ससुर के लिए चिंता मत करो, तुम साधु ससुर के लिए मेरे साथ मेरे झुंझुनू शहर चलो, हमें तुम्हें साधु ससुर को कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। क्या मैं आपका साथ मैंने झुंझुनू शहर चलो? हाँ बहन, मैं झुंझुनू शहर जाकर मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हें साधु ससुर को जीवन भर का परिवस्ती में लेता हूं। नहीं राजन, नहीं, मैं आपका साथ मैंने चुना पुरसर जाकर मैं क्या करूंगी? नहीं राजन, बहन चलो पति को अंतिम संस्कार कर दो बहन, अब तो पति इस दुनिया में नहीं है बहन, बाबरी बहन के तो हरा सकता भावना के तो Yeah!
Yeah.